बीके में आपका स्वागत है। मैं हूं अदी बनास। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बलिया जनपद के पैरैया तहसील के दुर्जनपुर गांव में मनरेगा के तहत प्रधान द्वारा मृत व्यक्ति के नाम पर भुगतान करने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है दबंग प्रधान की मनमानी की शिकायत जिला प्रशासन से की गई, लेकिन जिला प्रशासन कार्यवाही नहीं कर रहा है। मनरेगा के फायदे और नुकसान को लेकर आपने बड़ी बड़ी चर्चाएं सांसद से लेकर गांव तक सुनी होंगी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मनरेगा जैसी योजनाओं को पैसा कमाने का जरिया बनाने वाले मुर्दों के नाम पर भी भ्रष्टाचार की इबारत पीछे नहीं हटते। बलिया जनपद के पैरैया तहसील अंतर्गत दुर्जनपुर गांव में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां ग्राम प्रधान द्वारा गांव के ही मृतक परशुराम गोंड के नाम पर 2009 से लेकर 2016 तक भुगतान कराया गया। शिकायतकर्ता धीरेन्द्र प्रताप के मुताबिक परशुराम की मौत 2009 में हुई थी, जिसकी प्रमाण पत्र ग्राम प्रधान अपने हस्ताक्षर से दिया, फिर भी दबंग प्रधान मृतक के नाम घोटाला करता रहा। जी, मामला ऐसा है कि हम लगभग 6 साल हमको रिटायर हुए हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने सैनिक संगठन एक मतलब वो बनाया है समिति करके, और ग्रामीण जनता है यहाँ पे, सब जानते हैं कि पशुपत गोंड जो मनरेगा का मजदूर है वो लगभग 2009 में मर गया, जिसकी मृत्यु 2009 जुलाई लगभग हो गई, और उसका जो पूरा सर्टिफिकेट दस्तावेज है वो प्रधान द्वारा ही दिया गया कि 2009 में मनरेगा मजदूर पशुपत गोंड की मृत्यु हो गई, लेकिन उसके बावजूद 2016 तक उसका पैसा निकल लिया गया प्रधान और रोजगार सेवक BDO ब्लॉक द्वारा और बैंक के द्वारा। जबकि आप जानते हैं पत्रकार महोदय कि जिंदा आदमी का पैसा जो है मतलब लेने में, अपना पैसा लेने में बहुत दिक्कत होती है। मनरेगा विवादों में रहने वाली योजना भ्रष्टाचारियों के लिए पनाहगार साबित हो रही है। दरअसल मनरेगा जैसी योजनाओं को चलाने का उद्देश्य गांव के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचना था, पर ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि जिला प्रशासन के लिखित शिकायत के बाद भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे मनरेगा मजदूर की मरे हुए आदमी को 6 साल का पैसा कहाँ गया ये तो भाई सरकार जाने। और यहाँ की शिकायत किसी से की? मैंने इसकी शिकायत यहाँ से लेकर के जिला मुख्यालय और अपने ब्लॉक के BDO खंड विकास अधिकारी है उनको भी कई बार पत्रक मैंने दिया पूरे संगठन के माध्यम से, गांव के माध्यम से, लेकिन अभी तक मुझे कोई संतुष्टि वाला कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या कोई कार्रवाई? जांच हुई? जांच हुई, कागजों में हुई, लेकिन ग्राउंड पे कोई जांच इसकी नहीं हुई। तो क्या सरकार ने माना कि वो व्यक्ति मर चुका? हाँ, एक इसमें निश्चित ही माना गया है कि भाई जो मनरेगा APO है यहाँ पे अपने बैरिया ब्लॉक पे अजय सिंह, उनके द्वारा जांच कराया गया, उसमें पाया गया कि ये पशुपत गोंड जो है उनकी मृत्यु हो गई है 2009 में, और इनका पैसा जो है 2016 तक निकल लिया गया है, लेकिन पैसा गया कहाँ ये कोई बताने के लिए तैयार नहीं है, और दोषी को अभी तक कोई दंड नहीं दिया गया। योगी सरकार में अधिकारी कितने गंभीर हैं भ्रष्टाचार के प्रति, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महीनों जांच रिपोर्ट आने के बाद भी दबंग प्रधान